क्लास टेंथ सब्जेक्ट में टॉप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ये आप लास्ट एक्सरसाइज इसका जो दूसरा पार्ट है, इसके बाद हम ये इसके तीन पार्ट हैं, तो तीनों पार्टों के बाद हम कल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ये इसका लास्ट ये है क्वेश्चन है, इसके तीन पार्ट हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम हो गया जिस साइड से पानी का रुख है, यानी पानी जिसे आ रहा है नदी में, जिस तरफ जा रहा है उसी साइड से रितु रो रोइंग हो गए, एक बोट है जिसको पैडल बोट कहते हैं, वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। अगर रितु एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर टू, अगर रितु अब पानी के जो अपोजिट बहाव के अपोजिट में नाव चलाएगी तो वो सिर्फ 4 किलोमीटर 2 घंटे में तय करेगी। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, उसकी स्पीड निकालो, अब रोइंग स्टिल इन वाटर, उसकी स्पीड क्या थी और व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की रफ्तार क्या है। ठीक है, हम लिखेंगे लेट क्वेश्चन यहाँ पर, लेट द स्पीड, शाबाश, स्पीड ऑफ रितु सेटल इन वाटर कितना हम रखेंगे, सपोज एक्स किलोमीटर पर आवर, लेट शाबाश द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी वाटर की स्पीड कितनी है, इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम लिखेंगे, अब हम पहले स्पीड निकालेंगे रितु की, स्पीड ऑफ रितु वाइल रोइंग, यानी पैडल बोट जो है वाइल रोइंग, पैडल, ठीक है, डाउन स्ट्रीम ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर यहाँ से रितु यहाँ पर बैठी है, पानी इस तरफ जा रहा है जो मैंने एरो दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ से पानी की रफ़्तार और बोट की रफ़्तार दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, यानी दोनों हो जाएगी, ये बोट की रफ़्तार हमने, यानी स्पीड की रफ़्तार इसकी रखी है एक्स और पानी की रफ़्तार रखी है हमने वाई, हो गए एक्स प्लस वाई, तो यहाँ डाउनवर्ड में एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब जब रितु जो है बोट में अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, यहाँ से, तब क्योंकि वाटर चढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो दबाव अपोज करेगा स्पीड ऑफ द बोट, तो उस वक्त क्या हो जाएगी, स्पीड एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो अप स्ट्रीम जो स्पीड होगी आप ऋतु जो होगी वो हो जी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास पता है कि जो स्पीड होती है किसके बराबर होती है, डी बाई टी, तो स्पीड इंटू टी इज़ इक्वल टू डी। ठीक है, ये आपको पता होता, स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम के बराबर होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब रितु ने 20 किलोमीटर तय किए, रितु ने 20 किलोमीटर तय किए, स्पीड क्या थी, शाबाश, स्पीड थी एक्स प्लस वाई, और ये जो टाइम क्या था, टाइम 2 घंटे थे। ठीक है ना, तो क्या आएगा, शाबाश, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपका फर्स्ट आया। ठीक है, अब दूसरा है, इसी तरह जब वो अपोजिट में चला रही थी स्पीड बोट, तो कितने किलोमीटर किए, 4 किलोमीटर, डिस्टेंस इज इक्वल 4, स्पीड क्या थी, एक्स माइनस वाई इंटू टाइम कितना था, 2 घंटा, हो गए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन सीधी, तो ये आया आपका फर्स्ट। नाउ यू हैव टू सॉल्व एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बाई यूजिंग एनी मेथड, शाबाश, गो, मैं लिखूँगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है,
क्या हो जाएगा? बाय एडिंग, ठीक है, प्लस बाय एडिंग गए 2x इज इक्वल टू 12, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रितु इन सिटलिन वाटर? 6 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड निकल गई, किसकी? रितु की, जब वो बोट चला रही थी पानी में। नाउ व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन, शाबाश, फर्स्ट में देखिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स गोस कितना है, एक्स 6 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो गोस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। गो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऋतु सिटल इन वाटर? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.6। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट भी उठाऊंगा।